आपका स्वागत है आपकी अपनी रसोई समीक्षा की रसोई में। रसोई में आज हम बनाने वाले हैं जीरा आलू। आलू हम सबको मोस्टली काफ़ी पसंद होता है और कभी कभी जब कुछ बनाने का मन नहीं होता है तो हम सोचते हैं कोई सिंपल सी रेसिपी मिल जाए और उसको हम झटपट से बना लें, तो ये वही रेसिपी है और इसको आप ध्यान से देखिएगा लास्ट तक और स्टाइल से बनाइएगा। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आने वाली है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और रेसिपी पसंद आ जाती है तो लाइक करके सबके साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में कमेंट सेक्शन में अपना प्यार हमें देते रहिएगा और बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए आइए फटाफट से ये रेसिपी देख लेते हैं। आइए झटपट से देख लेते हैं कि जीरा आलू में हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू को पील करके और उसको छोटे छोटे काट लिए हैं। 1 बड़ा टमाटर है, इसको हमने एकदम बारीक चॉप कर लिया है। 1 मीडियम साइज की अनियन, इसको भी एकदम फाइनली बारीक चॉप करना है। क्योंकि जीरा आलू है तो जीरा, यहाँ पे हमने 1.5 छोटे चम्मच जीरा लिया हुआ है, साथ में 1 चुटकी हींग और 1 छोटा चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया हुआ है। इसके साथ आपको चाहिए होगा नमक स्वाद अनुसार और तेल जो भी आप यूज़ करें, यहाँ पे हम मस्टर्ड ऑयल यूज़ करेंगे फ्राई करने के लिए। चलिए आइए फटाफट से जीरा आलू बना लेते हैं। सबसे पहले पैन को हीट कर लीजिए और फिर उसमें हम ऐड कर देंगे मस्टर्ड ऑयल 2 बड़े चम्मच। मस्टर्ड ऑयल से इस सब्जी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ऑयल हीट हो गया है, अब इसमें हम हींग और जीरा ऐड कर देंगे। ये अच्छे चटकारे ले रहा है। अब इसमें हरी मिर्च, साथ में अनियंस। अनियंस को तेज़ आंच पे ही हमें पकाना है। अनियंस अच्छे से भुन गए हैं, अब इसमें हम टमेटोज ऐड कर देंगे और अब फ्लेम को आप कम कर दीजिए और साथ में हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दीजिए। अब इन सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर दीजिए और लिड लगा के ढक देते हैं। टमाटर में नमक डालने से टमाटर काफ़ी जल्दी पक जाता है। 5 मिनट से ये टमेटोज पक रहे हैं, आइए खोल के देख लेते हैं। काफ़ी अच्छे से पक गए हैं। अब बारी है ऐड करने की हमारा की इंग्रेडिएंट यानी कि आलू। आलू डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दीजिए। फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर लीजिएगा जब आलू डालिए ताकि आलू अच्छे से जल्दी ही भुन जाए। ये सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब आप चाहें तो ऊपर से गार्निशिंग में इसमें हरी धनिया के पत्ते डाल सकते हैं, बट मैं पसंद करती हूँ इसमें ऐड करना कसूरी मेथी। धनिया से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है और बहुत टेस्टी लगता है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, जीरा आलू में कसूरी मेथी डालना। हल्का क्रश करके और कसूरी मेथी ऐड कर दीजिए और वापस से इसको सबको मिला लीजिए। लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट और एकदम झटपट बनने वाला जीरा आलू रेडी है। विद इन मिनट्स आप इसको बना सकते हैं और आई एम श्योर सबको पसंद हुआ आने वाला है। आपको भी पसंद आ ही गया होगा, देख के मुंह में पानी आ ही गया होगा, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में सबके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब लोग इसके लुत्फ़ उठा सकें और मज़े ले सकें। स्पेशली ठंड आ रही है, ठंड में नए आलू आ जाते हैं तो जीरा आलू खाने के मज़े और भी आते हैं। तो हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, अपना प्यार हमें देते रहिए। कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको कैसा लगा ये रेसिपी और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में बेल आइकन हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा।